हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे स्मार्टफोन जो कि 15,000 की रेंज में आपको आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं और आपकी जो नीड है उसके हिसाब से आप फोन को परचेस कर सकते हैं। मतलब कि 5G वगैरह भी मिल जाएगा और डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी, बैटरी भी अच्छी मिल जाएगी और साथ में जो चार्जर आता है वो भी अच्छा मिल जाएगा और कैमरा भी अच्छा मिल जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे स्मार्टफोन है जो हमारी लिस्ट में अवेलेबल हो सकते हैं तो जानेंगे वीडियो के अंदर, तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला। तो चलो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पोको के फोन के बारे में, जो कि पोको M4 Pro 5G आता है जो कि 15,000 की रेंज में आसानी से मिल जाता है। इसमें अगर मैं सबसे पहले प्रोसेसर की बात करता हूँ तो प्रोसेसर इसमें Dimensity का प्रोसेसर मिल जाता है, 810 का प्रोसेसर आपको आराम से मिल जाता है। साथ ही इसमें जो डिस्प्ले है वो बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, 6.6 इंच की IPS डिस्प्ले मिल जाती है जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले के अंदर जो हमें रिफ्रेश रेट वो 90Hz का रिफ्रेश रेट आराम से देखने मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ कैमरे की तो कैमरा इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 8MP का इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। वहीं अगर मैं सेल्फी कैमरे की बात करता हूँ तो 16MP का इसमें सेल्फी कैमरा आप इसमें आराम से देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ उसकी बैटरी की, तो 5000mAh की इसमें बड़ी बैटरी मिल जाती है और साथ में चार्जर जो आता है वो 33W का बड़ा चार्जर आ जाता है। तो मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा वाइज काफी ज्यादा अच्छा हमें देखने मिल सकता है। मतलब कि 15,000 के रेंज में आपको 5G फोन जिसमें आपको बैटरी भी बड़ी मिल जाती है, साथ में चार्जर भी अच्छा मिल जाता है, जल्दी चार्ज कर जाता है, कैमरा भी अच्छा मिल जाता है, डिस्प्ले साइज भी बड़ी मिल जाती है और रिफ्रेश रेट भी अच्छी मिल जाती है। अगला जो फोन है वो Redmi का Redmi Note 12, इसमें जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने मिलता है, स्नैपड्रैगन 4Gen 1 वाला प्रोसेसर देखने मिलता है। वैसे ये जो प्रोसेसर है वो लगभग स्नैपड्रैगन 695 के आसपास ही काम करता है, लगभग जो दोनों प्रोसेसर है बराबर ही काम करते हैं। इसमें भी अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूं तो इसमें भी डिस्प्ले जो 6.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन इसमें जो डिस्प्ले की क्वालिटी वो एमोलेड मिल जाती है। मतलब कि डिस्प्ले की क्वालिटी पोको M4 Pro से अच्छी मिल जाती है हमें, क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, क्योंकि कलर सैचुरेशन जो वगैरह होता है वो इसमें अच्छा मिल जाता है। रिफ्रेश रेट भी इसमें 128 की मिल जाती है, जिससे कि आपकी फोन की जो होल्डिंग होती है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। कैमरे की अगर मैं बात करता हूँ तो बैक में इसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 8MP का इसमें अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, 2MP का इसमें मैक्रो कैमरा मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की बात करता हूँ तो इसमें जो सेल्फी कैमरा 13MP का मिल जाता है। बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी बैटरी आपको 5000mAh की मिल जाती है और चार्जर जो मिलता है वो 33W का बड़ा चार्जर इसमें देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये भी देखा जाए फोन काफी ज्यादा अच्छा है, जिसको अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, 5G भी चाहिए और बड़ी डिस्प्ले भी चाहिए, बैटरी भी अच्छी चाहिए, चार्जर भी अच्छा चाहिए, तो उनके लिए फोन काफी ज्यादा अच्छा है। हम बात करते हैं अगले फोन की, जो कि आता है मोटो का Moto G72। ये जो फोन है ये लगभग पूरा मतलब 15,000 की रेंज में पावर पैक फोन है, जिसमें हमें कैमरा भी अच्छा मिल जाता है, डिस्प्ले भी अच्छी मिल जाती है और प्रोसेसर वगैरह सब अच्छा मिल जाता है। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करता हूँ तो उसके MediaTek Helio G99 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्प्ले इसमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिलती है, एमोलेड नहीं मिलती, एमोलेड से थोड़ी सी क्वालिटी कम आती है और IPS से डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी आती है। OLED जो डिस्प्ले होती है मोटो G72 में देखने मिलती है, तो डिस्प्ले काफी अच्छी हमें देखने मिल जाती है। रिफ्रेश रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 120Hz की रिफ्रेश रेट इसमें अच्छी खासी रिफ्रेश रेट मिली जाती है, जो कि फोन की स्क्रोलिंग को अच्छा खासा स्मूथ कर देती है, गेमिंग के लिए जो रिफ्रेश रेट वो अच्छा काम करता है। अगर मैं बात करता हूँ उसके कैमरे की तो इसमें आपको मिलता है 15,000 के रेंज में 108MP का बड़ा कैमरा मिल जाता है, ये काफी अच्छी चीज हमें देखने मिल जाता है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ अल्ट्रा वाइड कैमरा जो 8MP का मिल जाता है, मैक्रो कैमरा जो 2MP का मिल जाता है, सेल्फी कैमरे की अगर मैं बात करता हूँ तो 16MP का इसमें सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वहीं अगर मैं बैटरी की बात करता हूँ तो बैटरी इसकी भी 5000mAh की मिल जाती है और साथ में जो चार्जर है वो भी इसमें 33W का चार्जर मिल जाता है। तो बैटरी लगभग सभी फोन में बराबर ही आ रही है अभी तक इस रेंज में जो भी फोन आ रहा है। ओवरऑल ये जो फोन है कैमरे के हिसाब से काफी ज्यादा बेटर है। अगला जो फोन आएगा मेरी लिस्ट में वो सैमसंग लवर्स के लिए आएगा, जो कि सैमसंग का एक काफी अच्छा फोन है F23। इस फोन में आपको सारी चीजें अच्छी मिल जाएगी। सबसे पहले अगर मैं प्रोसेसर की बात करता हूँ तो प्रोसेसर जो है इसमें स्नैपड्रैगन का 750G वाला मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी चीज हमें देखने मिल जाती है। प्रोसेसर काफी अच्छे लेवल का इसमें हमें देखने मिल जाता है। मैं बात करता हूँ उसकी डिस्प्ले की तो इसमें डिस्प्ले 6.6 इंच की फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले मिल जाती है। रिफ्रेश रेट की बात करता हूँ तो 120Hz की रिफ्रेश रेट इसमें आराम से मिल जाती है। मैं इसके कैमरे की बात करता हूँ तो कैमरा इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है और 2MP का इसमें डेप्थ कैमरा मिल जाता है, इसमें मैक्रो कैमरा नहीं आता है। सेल्फी कैमरे की बात करता हूँ तो इसमें 8MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। सेल्फी कैमरा इस फोन में थोड़ा सा कम है, लेकिन ओवरऑल जो इसमें फीचर्स है ज्यादा अच्छा हमें देखने मिल जाएंगे। और इसी के बाद मैं बात करता हूँ इसकी बैटरी की तो इसमें बैटरी 5000mAh की मिल जाती है। चार्जर जो इसमें 25W का सपोर्ट करता है, इनबॉक्स चार्जर नहीं आता, चार्जर आपको अलग से लेना पड़ता है, सिर्फ केबल आती है। 25W का इसमें चार्जर सपोर्ट कर जाता है, जो कि सैमसंग के हिसाब से तो काफी अच्छा चार्जर है, क्योंकि सैमसंग मतलब अगर बड़े फोन में भी देगा तो 25W का चार्जर इसमें सपोर्ट करता है। तो सैमसंग का जो 25W का चार्जर भी वो लगभग आपके 66W के चार्जर के बराबर काम करता है। अगला वो लास्ट फोन आता है वो भी पोको का ही फोन आता है, जिसका नाम है पोको X4 Pro 5G। ये भी फोन 15,000 की रेंज में, लेकिन 15,000 से ज्यादा, लेकिन ऑफर वगैरह सब काट उठा के 15,500 का पड़ जाता है फोन। तो सबसे पहले मैं इसके प्रोसेसर की बात करता हूँ। तो प्रोसेसर इसमें हमें देखने को मिलता है 695, जो कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है और लगभग मतलब 15 से 20 रेंज में ये प्रोसेसर आपको आराम से देखने मिल जाएगा, किसी भी फोन में सफिशिएंट होता है। 6.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी, एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 120Hz की रिफ्रेश रेट इसमें देखने मिल जाती है,
और कैमरे की अगर मैं बात करता हूँ तो 64 मेगापिक्सल का इसमें प्राइमरी कैमरा देखने मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल इसमें अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो मिल जाता है। फ्रंट के अंदर सेल्फी कैमरे की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है जो कि सैमसंग से तो काफी ज्यादा बेटर है। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ तो बैटरी इसमें भी 5000 mAh की है। लगभग सारे फोन अब जो अभी तक जो भी फोन हमने देखे 5000 mAh की बैटरी के साथ ही देखे, तो चार्जर जो इसमें बड़ा चार्जर देखने मिल जाएगा, 67 वोल्ट का जो चार्जर है साथ में इसमें हमें देखने मिल जाता है। तो काफी अच्छी चीज मेरे को इसमें देखने को मिली है कि इसमें जो चार्जर है काफी अच्छा मिल जाता है, जो चार्जर जो है वो फोन को काफी जल्दी चार्ज कर देगा। तो जो हमने इसमें 5 फोन की बात करी तो 5 फोन जो भी देखा जाए तो मतलब फीचर वाइज तो सारे फोन हमें बराबर ही देखने मिलते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांड को आप प्रेफर करते हैं। सैमसंग लवर होंगे वो सैमसंग को जाएंगे, पोको लवर होंगे पोको को लेंगे, रेडमी के भी इसमें फोन हमें देखने मिल जाते हैं। तो ये था दोस्तों वीडियो जिसमें मैंने बताया 15,000 के रेंज में आपको कौन सा फोन आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, उस टॉप फोन के बारे में मैंने इसमें बता दिया जो कि 15,000 के रेंज में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे कंटेंट देखने को मिलता रहे। थैंक यू।